हेलो एवरीवन, अब वही बज रहे हैं 11:30। मॉर्निंग का सारा काम खत्म हो गया, अभी मैं आई हूँ किचन में और देखते हैं लंच में क्या क्या बनेगा। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने लंच थाली, तो बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू मुनगा की सब्जी, दाल, चावल, रायता और साथ में अगर आटा लगा के रखूँगी रोटी लगेगा तो रोटी सेकेंगे। यहाँ मैंने आलू मुनगा की सब्जी छौंकना चालू कर दी है और साइड में दाल भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिना मिर्ची का निकाल दिया है, इसके बाद मैं मिर्ची डालूंगी। और ये हम लोग की आलू मुनगा की सब्जी बनके रेडी। अब हम चलते हैं अपने रायता बनाने के प्रोसेस में। ये मैंने बूंदी को गर्म पानी में डाल दिया है। ये मैंने दही को पहले से ही छान रखा है। बूंदी थोड़ा सा गर्म पानी में भीग जाने के बाद बूंदी ऐड करेंगे, उसके बाद मसाला ऐड करेंगे।
अभी हम इसमें नमक डालेंगे, फिर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, फिर थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पे हमने रायता के लिए एक सिंपल सा तड़का बना रहे हैं ताकि रायता का स्वाद दुगना हो जाए। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हमने तड़के के लिए सरसों का तेल का यूज किया है। और ये हम लोग की तड़के वाली रायता भी तैयार है। ये हो गया हमारा लंच थाली रेडी। करेला भरमा मैंने आज नहीं बनाया, ये कल का बनाया हुआ करेला भरमा। किचन से आने के बाद मेरे को बेडशीट बिछाना था तो मैं फिर बेडशीट बिछाने लग गई और साथ में बेटी की बदमाशी भी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।